आप सबने मिलकर के देश का नाम रोशन किया है, शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि कितने लोग होंगे, कितना काम किया होगा, कैसी परिस्थितियों में किया होगा। और आप में से ज्यादातर वो लोग होंगे जिनको इसके पहले इतने बड़े किसी आयोजन से कार्य का या जिम्मेवारी का अवसर ही नहीं आया होगा। यानी एक प्रकार से आपको कार्यक्रम की कल्पना भी करनी थी, समस्याओं के विषय में भी इमेजिन करना था कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, बहुत कुछ आपको अपने तरीके से इवॉल्व करना पड़ा होगा। और इसलिए मेरा आप सबसे एक विशेष आग्रह है। आप कहेंगे कि इतना काम करवा दिया कि अभी भी छोड़ेंगे नहीं क्या? मेरा आग्रह ऐसा है कि जब से इस काम से आप जुड़े होंगे, कोई 3 साल से जुड़ा होगा, कोई 4 साल से जुड़ा, अगर आपको इसको रिकॉर्ड कर दें, लिख दें सारा, और सेंट्रली जो व्यवस्था करते हैं कोई एक वेबसाइट तैयार करे, सब अपनी अपनी भाषा में लिखें, जिसको जो भी सुविधा हो कि उन्होंने किस प्रकार से इस काम को किया, कैसे देखा, क्या कमियां नजर आई, कोई समस्या आई तो कैसे रास्ता खोला, अगर ये आपका अनुभव रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो एक भविष्य के कार्यों के लिए उसमें से एक अच्छी गाइडलाइंस तैयार हो सकती है और वो एक इंस्टीट्यूशन का काम कर सकती है, जो चीजों को आगे करने के लिए जो इसके भी जिम्मे जब भी काम आएगा वो उसका उपयोग करेगा। और इसलिए आप जितनी बारीकी से एक एक चीज को लिख करके, भले 100 पेज हो जाए, और आप कल तो उसके लिए कपबोर्ड की जरूरत नहीं है, क्लाउड पर रख दिया तो फिर तो वहां बहुत जगह है, लेकिन इन चीजों का बहुत उपयोग है। तो मैं चाहूंगा कि कोई व्यवस्था बने और आप लोग इसका फायदा उठाएं। खैर, मैं आपको सुनना चाहता हूं, आपके अनुभव जानना चाहता हूं। अगर आप में से कोई शुरुआत करें, सबसे पहले कौन है जी? जय हिंद सर, मेरा नाम पिंकी रानी है और मैं हरियाणा से एक छोटे से गांव गोची से बिलोंग करती हूं। सर, मैं फिलहाल दिल्ली पुलिस में के साथ डिनर का आज प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। G20 के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ, और उन्हीं से प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संवाद भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी तरफ से एक बात भी कही जा रही है कि इस दौरान आप सबके सामने जो जो चुनौतियां आई हैं और उन चुनौतियों का आप सब ने जो समाधान निकाला है उसका एक रिकॉर्ड भी तैयार करिए, ताकि आने वाले दिनों में उससे कुछ सहूलियत मिल पाए और उससे कुछ सीख मिल पाए, ताकि आगे अगर उस तरह की चुनौतियां आएं तो उनका समाधान किया जा सके।